wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां वॉशिंगटन में पीएम ने रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। वहीं मशहूर अफ्रीकी अमरीकी हॉलीवुड अदाकारा और गायिका मैरी मिलबेन ने समारोह समाप्ति के दौरान भारतीय राष्ट्रीय गान जनमन गण गाया। राष्ट्रीय गान खत्म होने के बाद मैरी मिलबेन पीएम मोदी के पैर छूने झुकी। वहीं पीएम मोदी मैरी मिलबेन को रोकते हुए नजर आए। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए मैरी मिलबेन ने कहा कि मैं यहां आकर बहुत गर्व महसूस कर रही हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ही शानदार और दयालु व्यक्ति हैं, जिसके चलते इस समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए गर्व की बात है। मुझे रोनाल्ड रीगन में भारतीय प्रवासियों के बीच राष्ट्रीय गान गाना बहुत ही अच्छा लगा। Well, I'm just so honored to be here. The Prime Minister is such a wonderful and kind man, and it was just a sincere honor to be a part of his state arrival visit this week, to have been with him in New York, and certainly to honor him tonight singing the Indian National Anthem. I loved hearing the crowd sing the anthem. You could hear the passion in all of their voices, and so a true honor to be here tonight. Thank you to the ANI team and family for all your kindness to me and my career, and a joy to be here. चलिए आपको बताते हैं गायिका मैरी मिलबेन कौन है, जिसकी अमेरिका में पीएम मोदी के पैर छूने वाली वीडियो लगातार वायरल हो रही है। अफ्रीकी मूल की अमरीकी नागरिक मैरी मिलबेन राष्ट्रीय गान जनमन गण और ओम जय जगदीश हरे गाने के चलते काफी मशहूर हुई हैं। इनकी माँ एथिया मिलबेन एक पेंटो कोस्टल पादरी के साथ काम करती हैं। माँ को देखकर ही मैरी मिलबेन में संगीत सीखने की इच्छा हुई, जिसके चलते उन्होंने एक चर्च में 5 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। इन्होंने 2022 में भारत सरकार विदेश मंत्रालय सदाचार के संबंधों के लिए भारत का दौरा भी किया था। मैरी मिलबेन पहली अफ्रीकी अमरीकी कलाकार हैं जिन्हें भारत ने स्वतंत्रता दिवस पर न्योता दिया। आइए आपको सुनाते हैं मैरी मिलबेन ने रोनाल्ड रीगन में भारतीय प्रवासियों के बीच जो राष्ट्रीय गान गाया।